सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइज, ऐश ने अब तक की अपनी पोकेमॉन जर्नी में बहुत सारे पोकेमॉन्स को कैच किया है, बहुत सारे पोकेमॉन्स को पकड़ा है, जिनमें से कुछ पोकेमॉन को उसने इवॉल्व भी नहीं किया, यानी कि अपने फर्स्ट स्टेज पर ही रहने दिया, और कुछ पोकेमॉन ऐसे भी थे जो कि उसने फुल्ली इवॉल्व कर दिया, यानी कि उनके लास्ट स्टेज थर्ड स्टेज तक ले गया उनको। लेकिन यार, इन दोनों के अलावा ऐश के पास कुछ ऐसे पोकेमॉन्स भी हैं जो कि अपने मिडिल स्टेज यानी कि सेकेंड स्टेज में हैं, और वो पोकेमॉन्स हैं पिग्नाइट, क्वेलावा, बेलीफ और आखिरी है बोल्डोर। और हाँ, इसमें मैंने ऐश के पैल्पिटोड को इंक्लूड नहीं किया, वो भी भले सेकेंड स्टेज पोकेमॉन ही है लेकिन वो ज़्यादा ही वीक है तो वो वैसे भी नहीं जीत पाता। और मैंने पिकाचू को भी नहीं लिया, भले वो भी एक सेकंड स्टेज पोकेमॉन है लेकिन वो ऐश को उसके फर्स्ट स्टेज में नहीं मिला था, वो ऐश को डायरेक्ट सेकंड स्टेज से ही मिला था, इसी वजह से मैंने उसको भी नहीं लिया है। तो फाइनल जो बेस्ट कंपैरिजन होगा वो होगा इन चारों के बीच, पिग्नाइट वर्सेस क्वेलावा वर्सेस बेलीफ वर्सेस बोल्डोर। तो आज की वीडियो में तुमको इसका आंसर मिलने वाला है कि ऐश का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे ज्यादा बेस्ट सेकंड स्टेज पोकेमॉन कौन है। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, पूरे एंड तक जरूर देखना। उससे पहले यार, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। अब नेक्स्ट तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले इन पोकेमॉन्स के बारे में मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं ऐश के क्वेलावा के बारे में। क्वेलावा एक फायर टाइप पोकेमॉन है जिसको ऐश ने सिंडेक्विल के फॉर्म में पकड़ा था, यानी कि उसके फर्स्ट स्टेज में। सिंडेक्विल को ऐश ने तब पकड़ा था जब वो अपना सेकंड बैच जीतने अजिलिया टाउन जा रहा था, और सिंडेक्विल जो है वो ऐश का जोटो का थर्ड पोकेमॉन था। तो पूरे जोटो रीजन में ऐश ने अपने सिंडेक्विल को अपने साथ ही रखा था, लेकिन पूरे जोटो में सिंडेक्विल जो है वो इवॉल्व नहीं हुआ। फिर जब पोकेमॉन डायमंड एंड पर्ल वाली सीरीज खत्म होने वाली थी, यानी कि ऐश की सिनो जर्नी खत्म होने वाली थी, तब ऐश ने अपने सिंडेक्विल को वापस बुलाया, और सिनो रीजन के अंदर ही ऐश का जो सिंडेक्विल था वो इवॉल्व हो गया क्वेलावा में। अगली पोकेमॉन है ऐश की बेलीफ। बेलीफ एक ग्रास टाइप की पोकेमॉन है, और बेलीफ को ऐश ने चिकोरिटा के फॉर्म यानी कि उसके फर्स्ट स्टेज में पकड़ा था। चिकोरिटा को ऐश ने अपनी जोटो जर्नी के थोड़ा स्टार्टिंग में ही पकड़ा था, द चिकोरिटा रेस्क्यू नाम के एक पोकेमॉन एपिसोड में। मतलब उस टाइम तक ऐश ने कोई भी जिम बैटल वगैरह भी नहीं लड़ा था, तो वो स्टार्टिंग ही कह सकते हो तुम उसे। तो फिर चिकोरिटा को कैच करने के 73 एपिसोड बाद टर्निंग ओवर अ न्यू बेलीफ नाम के पोकेमॉन एपिसोड में ऐश की चिकोरिटा बेलीफ बन गई। अगला पोकेमॉन है ऐश का पिग्नाइट। पिग्नाइट को ऐश ने उसके टेपिक वाले स्टेज यानी कि फर्स्ट स्टेज में पकड़ा था। टेपिक के बारे में तुम सब लोग को पता ही होगा, टेपिक की एक बहुत ही ज़्यादा सैड बैक स्टोरी थी। उसका एक ट्रेनर था शेमस, जो कि उसको एक बार बांध के चला गया था क्योंकि उसको लगता था कि टेपिक जो है काफ़ी कमज़ोर और बेकार पोकेमॉन है, और फिर ऐश ने उसकी मदद की थी। फिर उसके बाद टेपिक ने डिसाइड किया कि वो ऐश की टीम में ही जाएगा, और फिर 73 एपिसोड बाद जाकर एक एपिसोड में जहाँ पर ऐश की और टेपिक का जो पिछला वाला ट्रेनर था शेमस उसके बीच में बैटल चल रही थी, और उसी बैटल के दौरान ऐश का जो टेपिक है वो पिग्नाइट पोकेमॉन में इवॉल्व हो जाता है। अगला पोकेमॉन है ऐश का बोल्डोर। बोल्डोर को ऐश ने उसके फर्स्ट स्टेज यानी कि रोगेनरोला वाले स्टेज में पकड़ा था, लेकिन ये पोकेमॉन बस 27 एपिसोड तक ही अपने फर्स्ट स्टेज में रहा। 27 एपिसोड के बाद ही इवॉल्व हो गया था बोल्डोर पोकेमॉन में। और हाँ, बोल्डोर पोकेमॉन जो है वो ऐश का सबसे पहला रॉक टाइप का पोकेमॉन था जो कि उसने कैच किया था। तो चलो, हमने इन पोकेमॉन्स के बारे में जान ही लिया है, तो अब स्टार्ट करते हैं इनको कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स चुने हैं जो कि है बैटल, बॉन्ड, स्टैट्स, विन परसेंटेज, मूव्स और आखिर में योर ओपिनियन। सबसे पहले आता है सबसे पहला पॉइंट जो कि है बैटल्स। इसमें हम लोग देखने वाले हैं किसने ज़्यादा खतरनाक अपोनेंट्स के साथ बैटल की और उनको हराया, और कौन ज़्यादा अच्छे से बैटल करता है। और हाँ, हम लोग उन्हीं बैटल्स को देखेंगे जो कि उन्होंने अपने सेकेंड स्टेज में आने के बाद लड़ी हैं, यानी कि जो फर्स्ट स्टेज में लड़ी हैं हम लोग उनको नहीं देखेंगे। सबसे पहले आता है ऐश का क्वेलावा। तो क्वेलावा मैंने बताया जैसे कि वो सिनो रीजन में इवॉल्व हुआ था, और इवॉल्व होने के बाद उसने बस एक ही बैटल लड़ी है जो कि थी नैंडो के आर्माल्डो के साथ। ये बैटल काफ़ी सही थी, लेकिन आखिर में ये बैटल टाई हो जाती है, यानी दोनों हार जाते हैं। और फिर इसके बाद से ऐश ने अपने क्वेलावा को कभी यूज़ नहीं किया, यानी कि डेफिनेटली इस वाले राउंड में क्वेलावा नहीं जीतने वाला। फिर आती है ऐश की बेलीफ। तो बेलीफ तो जोटो रीजन में इवॉल्व हो गई थी। बेलीफ ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट्स के साथ बैटल की है, जैसे कि जिम लीडर चक के मचोक के साथ, और वो जो मचोक था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, लेकिन उसके बावजूद भी बेलीफ ने मचोक को हरा दिया था। इसके अलावा ऐश की बेलीफ ने हैरिसन के हाउंडूम जो कि एक फायर टाइप पोकेमॉन था उसको भी हरा दिया था डिसएडवांटेज होते हुए भी। चिकोरिटा जो है वो बेलीफ बनने के बाद सिर्फ एक बार हारी थी, और वो हार थी गैरी के ब्लास्टोइस के सामने। तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं बेलीफ ने बैटल्स में काफ़ी अच्छा किया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पोकेमॉन की तरफ। अगला पोकेमॉन है ऐश का बोल्डोर। बोल्डोर ने इवॉल्व होने के बाद ही जिम लीडर क्ले के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सकाड्रिल को हरा दिया था। फिर ऐश ने बोल्डोर को एक टैग टीम मैच में यूज़ किया था जहाँ पर क्रिस्टल और बोल्डोर लड़ रहे थे, और सामने बियांका के दो पोकेमॉन्स थे जिसमें कि बोल्डोर जो है वो हार गया था। फिर ऐश ने बोल्डोर को वाइब्रैंक जिम में यूज़ किया था जहाँ पर जो बोल्डोर है वो रॉक्सी के कोफिंग पोकेमॉन से हार गया था।
फिर इसके बाद ऐश ने एक और बार उसको यूज़ किया था रेन्यूक्लियस पोकेमॉन के सामने, जहाँ पर बोल्डोर जो है वो जीत गया था। और फिर लास्ट ऐश ने बोल्डोर को यूज़ किया था पोकेमॉन लीग में कैमरॉन के हाइड्रीजियन के अगेंस्ट, जहाँ पर जो ऐश का बोल्डोर है वो हार गया था। तो बोल्डोर ने भी ठीक ठाक ही किया है बैटल्स में, इतना ज़्यादा भी अच्छा नहीं किया। इसके बाद आता है ऐश का पिगनाइट। तो पिगनाइट ने इवॉल्व होने के बाद ही अपने ट्रेनर के दो स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन एम्बोर और हीटमोर को हरा दिया था। फिर इसके बाद ऐश ने उसको ब्राइसन की जिम में यूज़ किया था, जहाँ पर उसने क्रायोगनल पोकेमॉन के अगेंस्ट बैटल की थी, उसमें भी पिगनाइट जीत गया था। लेकिन फिर ब्राइसन ने भेजा था अपना बियरटेक और बियरटेक के सामने पिगनाइट हार गया था। फिर ऐश ने पिगनाइट को यूज़ किया था वाइब्रैंक जिम में, जहाँ पर उसने पिगनाइट को यूज़ किया था रॉक्सी के स्कॉलीपीड के अगेंस्ट। इस बैटल में पिगनाइट जो है वो पॉइजन हो गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उसने हरा दिया था स्कॉलीपीड को। लेकिन फिर जब रॉक्सी ने गार्बाडोर को निकाला तब पिगनाइट जो है वो हार गया था। फिर ऐश ने पिगनाइट को यूज़ किया था ट्रिप के सरपीरियर के अगेंस्ट, जहाँ पर भी पिगनाइट हार गया था। इसके बाद ऐश ने यूज़ किया था कैमरॉन की बैटल में पिगनाइट को, जहाँ पर पिगनाइट ने कैमरॉन के हाइड्रेजन पोकेमॉन को हरा दिया था। फिर उसके बाद लगातार फेरोथॉन पोकेमॉन को भी हरा दिया था। लेकिन फिर जब उसने तीसरा पोकेमॉन निकाला जो कि था समरॉट, उसके सामने पिगनाइट जो है वो हार गया। इसके बाद पिगनाइट ने एक टैग टीम बैटल लड़ा था, जहाँ पर भी पिगनाइट जीत गया था। इसके बाद एक सूमो कॉम्पिटिशन में ऐश के पिगनाइट ने वॉचडॉग, स्लैकिंग, राइपीरियर, गोलरक जैसे खतरनाक पोकेमॉन्स को हरा दिया था और वो कॉम्पिटिशन जीत लिया था। तो यार हमारे पहले राउंड का विनर डेफिनेटली पिगनाइट ही है, क्योंकि यार उसने इतने खतरनाक अपोनेंट्स को हराया और इतने अच्छे से बैटल किए हैं, तो पिगनाइट ही हमारे पहले राउंड का विनर। हमारा दूसरा राउंड है बॉन्ड। इस वाले राउंड में हम लोग देखेंगे कि ऐश का इन सब पोकेमॉन्स में से किसके साथ सबसे ज़्यादा अच्छा बॉन्ड है। यार देखो, वैसे तो ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को ही बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा पसंद करता है उनको, लेकिन यार हर एक रीजन में ऐश का ऐसा कोई ना कोई पोकेमॉन होता है जिनका ऐश के साथ सबसे ज़्यादा अच्छा और सबसे मजबूत बॉन्ड होता है। तो यार अगर मैं इन चारों में से बताऊँ, मेरे अकॉर्डिंग इन चारों में से ऐश का सबसे अच्छा बॉन्ड था दो पोकेमॉन्स के साथ, एक है बेलीफ और एक है पिगनाइट। बाकी दो के साथ भी अच्छा बॉन्ड था, लेकिन यार सबसे ज़्यादा मजबूत जो बॉन्ड है वो ऐश का यूनोवा में था पिगनाइट के साथ, और जोटो में था बेलीफ के साथ। तो इन चारों पोकेमॉन्स में से बात की जाए तो मेरे अकॉर्डिंग सबसे अच्छा बॉन्ड ऐश का है पिगनाइट और बेलीफ दोनों के साथ। तो मैं इस वाले राउंड का विनर इन दोनों को ही बना रहा हूँ, दोनों को ही पॉइंट मिल रहे हैं। हमारा अगला राउंड है स्टैट्स। इसमें हम कंपेयर करेंगे इनके स्टैट्स को। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे कम से। सबसे कम है बोल्डोर के, जो कि है 390। फिर आता है कोयलावा, जो कि है 405। फिर है बेलीफ, जिसके भी है 405। सबसे ज़्यादा है पिगनाइट के 418। तो हमारे इस वाले राउंड का विनर भी है पिगनाइट पोकेमॉन। हमारा अगला राउंड है पोकेमॉन्स की विन परसेंटेज। जिसकी विन परसेंटेज ज़्यादा होगी वो जीतेगा इस राउंड को। बैटल्स वाले राउंड में हमने इनकी सिर्फ सेकंड स्टेज वाली बैटल्स देखी थी, यानी कि जो इन्होंने अपने सेकंड स्टेज में आने के बाद लड़ी हैं। पर इस वाले में जितनी भी इन्होंने अब तक बैटल लड़ी है अपने फर्स्ट स्टेज में और सेकंड स्टेज में, उन सब का मिला के किसी ने परसेंटेज बनाया, तो हम वो देखने वाले हैं। तो सबसे नीचे जो पोकेमॉन आता है वो है बोल्डोर, इसकी विन परसेंटेज है 33%। इससे ऊपर आती है बेलीफ, इसकी विन परसेंटेज है 50%। इसके ऊपर आता है कोयलावा, इसकी विन परसेंटेज है 54%। और सबसे ऊपर आता है पिगनाइट, जिसकी विन परसेंटेज है 55%। कोयलावा यार बस 1% से रह गया, वरना शायद वो इस राउंड को जीत सकता था या फिर टाई हो सकता था। पर यार हमारे इस राउंड का विनर भी है पिगनाइट पोकेमॉन। हमारा अगला राउंड है मूव्स। यहाँ पर हम लोग देखेंगे किस पोकेमॉन ने ज़्यादा अच्छे मूव सीखे थे एनिमे में। तो ऐश के कोयलावा को जो मूव्स आते थे वो हैं फ्लेम थ्रोअर, टैकल, एजिलिटी, स्मोक स्क्रीन, क्विक अटैक, स्विफ्ट अटैक, फ्लेम व्हील, इरप्शन और लास्ट है एरियल एस। अगला पोकेमॉन है ऐश का पिगनाइट। पिगनाइट को मूव्स आते थे एम्बर, टैकल, फ्लेम चार्ज, फ्लेम थ्रोअर, फायर प्लेज और लास्ट है ब्रिक ब्रेक। फिर आती है ऐश की बेलीफ। तो बेलीफ को सिर्फ 6 ही मूव्स आते थे, जो कि है रेजर लीफ, वाइन विप, टैकल, स्वीट सेंट, बॉडी स्लैम और हेडबट। अब आता है ऐश का बोल्डोर। तो यार बोल्डोर को सबसे कम मूव्स आते थे, जो कि है सिर्फ 5 मूव्स। पहला मूव है सैंड स्ट्रॉम, फिर है स्टोन एज, फिर है फ्लैश कैनन, फिर है रॉक ब्लास्ट और फिर है रॉक स्मैश। तो यार इस वाले राउंड का डेफिनेटली विनर है हमारा कोयलावा, क्योंकि कोयलावा को सबसे ज़्यादा मूव्स आते थे और इसके अलावा उसके सबसे अच्छे मूव्स भी थे, सबसे स्ट्रॉन्ग वाले मूव्स भी कोयलावा को ही आते थे। तो यार यहाँ पर हमारा अब जो कंपेरिजन है वो हो चुका है ख़त्म। अब बात करते हैं फाइनल रिजल्ट के बारे में। तो देखो, हमारे राउंड थे 5 राउंड, जिनमें से पहला राउंड बैटल जीता है पिगनाइट ने। फिर दूसरा राउंड था बॉन्ड, जो कि जीता है पिगनाइट और बेलीफ ने। फिर आता है स्टैट्स, जो कि जीता है पिगनाइट ने। फिर आता है विन परसेंटेज, जो कि जीता है पिगनाइट ने। और फिर आता है मूव्स, जो कि जीता है कोयलावा ने। यानी कि पिगनाइट के होते हैं 4 पॉइंट्स,
बेली फॉल कोइलावा के होते हैं 1-1 पॉइंट्स और बोल्डोर के होते हैं 0 पॉइंट्स। यानी कि यार हम लोग इस कंक्लूजन पर आए हैं कि ऐश का सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेकेंड स्टेज पोकेमॉन जो है वो है ऐश का पिगनाइट। अगर हम लोग इनकी एक बार रैंकिंग करें, नंबर वन पर है पिगनाइट, सेकेंड नंबर पर कोइलावा और बेलीफ के बीच में टाई होता है और लास्ट है बोल्डोर। तो यार अब बारी है तुम लोगों की, तुम लोगों को नीचे कमेंट्स में बताना है कि इन चारों सेकेंड स्टेज पोकेमॉन्स में से कौन है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट और बेस्ट सेकेंड स्टेज पोकेमॉन। तो फिर यार यही थी हमारी आज की वीडियो, कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, आज का लाइक है 3K लाइक्स का। अगर इस वीडियो पर आते हैं 3K लाइक्स और इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो मैं लाऊंगा ऐश के फर्स्ट स्टेज पोकेमॉन्स का कंपैरिजन। और हाँ यार, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना ताकि तुमको ऐसे ही पोकेमॉन का अमेजिंग कंटेंट देखने मिलता रहे। और ये रहे हमारे पिछली वीडियो के पोके क्विज विनर्स, और ये है हमारी आज की क्विज। जिसको भी इसका आंसर पता है जल्दी नीचे कमेंट्स में बता दो। मैं मिलूंगा तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।